नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश गौड़ और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो, जो आपका अपना चैनल है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 9 मई से 15 मई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर फ्रेंड्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप रीडिंग चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज दिए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ आप अपने मैसेज के थ्रू क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर अपनी रीडिंग पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो स्कॉर्पियो के लिए क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो के पर्सन महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो अगर वो सबसे पहले अपने आप को प्रैक्टिकल बनाए, अपने आप को पर फोकस करें, अपने लिए काम करें, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें, वो दूसरों के पचड़ों में ना पड़े। और अगर वो कोई सीक्रेट जानते हैं, कोई किसी के बारे में कुछ भी बातें जानते हैं, तो वो उनको अपने तक सीमित रखें, वो उनका खुलासा ना करें, वो किसी के सामने इसका ढिंढोरा ना पीटे। क्योंकि जब तक ये रिश्ता बिल्कुल नहीं, ये नहीं लगता कि ठीक हो गया है, सही हो गया है, या जब तक सामने जब तक नहीं लगता कि इन चीज़ों का खुलासा करने की ज़रूरत है, जब तक इन चीज़ों को अपने तक सीमित रखें, अपने अंदर समेट कर रखें, इनका खुलासा ना करें, इनका जिक्र ना करें, किसी के सामने ढिंढोरा ना पीटें, तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो को सबसे अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, दूसरे पचड़ों से बचें। जो सीक्रेट्स वो जानते हैं, जो बातें वो जानते हैं, जो उनको अपने तक सीमित रखें। तो वो क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन, स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। 8 of Swords। तो स्कॉर्पियो के पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी इसमें तनाव चल रहा है, काफ़ी एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं, वो या तो काफ़ी एक दूसरे की बातों को उनसे उनकी खुलकर बातें ही नहीं हो रही हैं, तो अगर हो भी रही है तो इतने इमोशनल लेवल पर नहीं हो रही है कि वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, एक दूसरे की बातों को समझ सकें। तो उन्हें चाहिए कि इन चीज़ों से वो बाहर निकलें, इस मन मुटाव को ख़त्म करें, एक दूसरे को समझें, और जो उन्होंने ये बंधन बनाए हुए हैं, अपने सबसे पहले अपनी आँखों से पट्टियाँ खोलें, खुली आँखों से वो आगे बढ़ें, और जो उन्होंने अपने आपको घेरा हुआ है, एक ये जो स्वॉर्ड्स की दीवार सी बनाई हुई है, वो उनकी खुद की बनाई हुई है, वो इन इस जाल से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलें। और अगर वो शांति के साथ, आराम के साथ, पीसफुली एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, बातें करेंगे, तो काफ़ी हद तक सिचुएशन को संभाला जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि इन चीज़ों से बाहर निकलें, इस मनमुटाव को छोड़ें, जो ये तनाव चल रहा है, जो ये सिचुएशन उन्होंने अपने आप में ऐसी बनाई हुई है, तो उससे बाहर निकलकर वो आमने सामने एक दूसरे से बातें करें, ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो ऐसा चाहते हैं कि जो उनके खुद के बनाए हुए ये बंधन हैं, उन बंधनों से छूटें और आमने सामने बातें करें, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ बातें करें, वो अपने आप को बंधन में ना रखें, तो ऐसा वो चाहते हैं। अब देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो हैं वो अपने पर्सन से क्या चाहते, अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में एक ताज़ापन लेकर आए, एक ताजगी के साथ, एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, डेट पर जाएं,
पार्टी में जाएं, एंजॉय करें, मौज मस्ती करें, घूमें फिरें और एक ताज़ापन के साथ, चाहे भले ही वो इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन जैसे एक एक ताज़ापन के साथ, एक बिगनिंग के साथ, एक शुरुआत के साथ, वो एक जैसे एक नया रिश्ता बनता है, एक नई शुरुआत होती है, एक दूसरे से नई पहचान होती है, उस तरीके से, उस तरह से वो एक दूसरे के साथ नई ताजगी के साथ, नई उमंग के साथ एक दूसरे से मिलें, बातें करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, मौज मस्ती करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, साथ में खाएं, साथ में खेलें, साथ में बातें करें और इस रिश्ते को भारी भरकम ना बनाएं, बोझिल ना बनाएं, इस रिश्ते की सिचुएशन को समझें, इसमें जो भी परेशानियां, खामियां, दुख तकलीफें आ रही हैं उनको ख़त्म कर दें और एक यंग एनर्जी की तरह, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर, एक नए ताज़ापन के साथ इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। उनको वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो के पर्सन को एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करनी चाहिए, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए, महसूस करना चाहिए। तो जो स्कॉर्पियो हैं वो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो चाहते हैं कि चाहे इस रिश्ते में पहले कितनी ही बाधाएं आई हैं, कितना ही रिश्ता खराब हुआ है, दुख तकलीफें आई हैं, लेकिन उन चीज़ों को उन्हें काट फेंकना चाहिए, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए और एक जो उनका अब इन चीज़ों को वो मन से ना लें, मन से लगा कर ना रखें, मन से ना सोचें, बल्कि वो दिमाग से सोचें, दिमाग में क्लियरिटी लाएं, दिमाग एक क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। वो उनको पता होना चाहिए कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इस बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए और वो सोच समझ कर, दिमाग से सोच कर क्लियरिटी लाएं, वो दिमाग से काम लें, वो सिर्फ मन की ना सुने और इसमें क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एक नई बिगनिंग करें, एक ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढें जिससे एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सके, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर बिल्कुल क्लियर कट, इसमें कम्युनिकेशन हो, ये रिश्ता बिल्कुल साफ सुथरा हो, बिल्कुल इसमें कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो। तो वो चाहते हैं कि इसमें दिल से ना सोचकर, दिमाग से क्लियरिटी के साथ एकदम उन्हें ये सोच करके, उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इस चीज़ का फैसला करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, ऐसा वो चाहते हैं। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 9 मई से लेकर 15 मई के लिए। तो इस सिचुएशन का आउटकम बता रहा है कि कुछ चीज़ें, इस जो ये रिश्ता है इसमें अनकंट्रोल्ड कंट्रोल किया हुआ है, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को, जिन चीज़ों को वो चाहते हैं कि जिन चीज़ों को वो छाते से चिपकाए हुए हैं, या जिन लोग, चाहे वो इंसान हैं या उनकी बातें हैं या कोई जॉब, बिजनेस, करियर है या कुछ भी चीज़ें, जो चीज़ें उनको सही नहीं लगती, जो चीज़ें उनके लिए सही नहीं है, वो चीज़ें छोड़कर उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा उनको लग रहा है। और लग रहा है कि दोनों तरफ से ही, चाहे वो स्कॉर्पियो हैं या उनके पर्सन हैं, दोनों को ही उन चीज़ों को, उन भावनाओं को, उन लोगों को छोड़कर जो उनके लिए बनी नहीं है, जो इस रिश्ते में बाधाएं पैदा कर रही हैं, जो सिचुएशन को ठीक नहीं होने दे रही हैं, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए ताकि वो फ्लो के साथ, बहाव के साथ आगे बढ़ सकें और इस रिश्ते में क्लियरिटी आ सके, ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो मुझे लग रहा है कि दोनों को ही इस बारे में सोचकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में कदम बढ़ाने चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो ये रिश्ता आगे जा सकता है, कामयाब हो सकता है। जो परेशानियां, जो खामियां, जो दुख तकलीफें इस रिश्ते में आ रही थी, अगर उनको छोड़ देते हैं, उनको अपने से चिपका कर नहीं रखते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो ये रिश्ता आगे जा सकता है। तो उन चीज़ों को छोड़कर उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी खुशी मिलती है
और वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।